हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप जिसे चाहते हो उसे हासिल करके रखोगे। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू विल अचीव व्हाट यू वांट। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। कर्नाटक का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? वो अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, हरिबाबू कम मैं पप्पी, मंगूभाई छगन भाई पटेल, राजेंद्र विश्वनाथ अलिंगकर। इसका राइट आंसर है थावरचंद गहलोत। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए नए मंत्रालय का गठन किया गया है। विच न्यू मिनिस्ट्री हैज बीन फॉर्मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडिजिनस इंडस्ट्री। ऑप्शन है स्वरोजगार मंत्रालय, संप्रभुता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, निदान मंत्रालय। इसका राइट आंसर है सहकारिता मंत्रालय। मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का गठन किया है। नया सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? विच वोल्केनो इज लाइकली टू एरप्ट नियर मनीला इन द फिलीपींस। ऑप्शन है मायोन, ताल, पार्कर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ताल। फिलीपींस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन उच्चतम स्तर है, जिस कारण से वह कभी भी फट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च टू एडुकेट फिश फार्मिंग फार्मर्स। ऑप्शन है त्रिवेणी, मनु, सप्तऋषि, मत्स्य। इसका राइट आंसर है मत्स्य। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार ने किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन मेड द न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन प्लेस ऑफ किरेन रिजिजू इन द यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन। ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। मोदी सरकार ने किरेन रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया है। अनुराग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट हैज पास अवे एट द एज ऑफ 87 रिसेंटली। ऑप्शन है जयराम ठाकुर, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल। इसका राइट आंसर है वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वीरभद्र सिंह की राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द कांवड़ यात्रा टू बी हेल्ड दिस मंथ इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोरोना एपिडेमिक। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड।
इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? Which country has recently decided not to impose an anti-dumping duty on imports of certain copper products from China, Thailand, Korea and the 3 other countries? Option है नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में भारत सरकार ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न से किसे बनाया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी नेचुरल पेंट्स। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमिताभ बच्चन, अमित शाह। इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? रिसेंटली यूएस ट्रॉप्स हैव effectively ended their military operations by vacating which country's largest airbase after a 20-year long war? Option है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया? रिसेंटली पुलिस फोर्स वेयर डिप्लॉयड on various hydroelectric projects due to rising tension in the border district of Andhra Pradesh and which state? Option है पंजाब, तमिलनाडु, असम, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर पुलिस बलों को तैनात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिसेंटली इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ रुपीज हाउ मेनी लैक्स ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस अ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्शंस रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन बैंक्स। ऑप्शन है 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। इसका राइट आंसर है 25 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा। ऑप्शन है प्रदीप कुमार सरकार, सुबेल वैद, माणिक सरकार, कल्याण नारायण भट्टाचार्य। इसका राइट आंसर है कल्याण नारायण भट्टाचार्य। कल्याण नारायण भट्टाचार्य को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए अमेजन वेब सेवाओं के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है? Recently, which bank has entered into a multi-year agreement with Amazon Web Services to empower digital banking services? Option है Axis Bank, ICICI Bank, Bharatiya State Bank, Punjab National Bank।
इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने डिजिटल से बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए अमेज़न वेब सेवाओं के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।